नमस्कार, मैं हूं जितेश नेजा और दिल्ली की लोकसभा की चुनावी यात्रा करते करते आज हम आप पहुंचे हैं उत्तम नगर विधानसभा में, ये जानने के लिए कि उत्तम नगर की पब्लिक इस बार किस पार्टी के साथ है और किस पार्टी को अपना समर्थन देके वोट देगी। आइए लोगों से एक बार खास बातचीत करते हैं कि उत्तम नगर की गलियों की क्या समस्याएं हैं और समस्या को देख के किस पार्टी के नेता को चुनेंगी, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा दीपक नाम है जी। दीपक जी, क्या लगता है आपको इस बार? देखो जी, हम तो किसी पार्टी से है नहीं, मगर कांग्रेस ही आएगी मेरे हिसाब से। किसी पार्टी से है नहीं और किस दावे के साथ कहते हैं कांग्रेस वापसी करेगी? क्या एमपी साहब, हमने यहाँ के बीजेपी का आज तक देखने इलाके में कभी आई नहीं यहाँ पे, और मावल जी का नाम सुना है, मावल जी अच्छे आदमी। चुनाव के बाद हमारे क्षेत्र के जो अभी के सांसद है परवेश वर्मा जी, चुनाव के बाद अभी 1 तारीख को आए थे, यानी पूरे 5 साल में एक बार, कोई काम नहीं किया उन्होंने, कोई प्रेजेंस नहीं उनके जनता के बीच में, बस यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, लोगों के साथ कोई संपर्क नहीं है। हमारे महावीर मिश्रा जी थे, वो मिलनसार आदमी हैं, बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, और सबके छोटे छोटे लोग बुलाने पे भी वो आते हैं, छोटा सा प्रोग्राम हो, कोई समस्या हो लेके जाए, वो तुरंत इरेक्ट करते हैं। लेकिन ये पिछले चुनाव के बाद अब 1 तारीख को दिखे हैं, बस ये कहना है। उसके बाद अगर मैं परवेश जी की बात करूँ या महावीर मिश्रा की बात करूँ, एक और है आम आदमी पार्टी, बलबीर सिंह झागड़, उसके उम्मीदवार हैं, तो क्या लगता है? अब नया उम्मीदवार है, गिनती के लोग जानते हैं, ठीक है, ये विधानसभा इलेक्शन तो है नहीं कि किसी प्रकार से चलो झाड़ू की हवा चलेगी, ये लोकसभा इलेक्शन है। यहाँ पर दो ही चीज़ है, मोदी या राहुल। हम ये मानते हैं जो मोदी जी ने पिछले 5 साल में कार्य किए हैं, जो उन्होंने उनके मेन उपलब्धियाँ हैं, बुलेट ट्रेन, आज की डेट में रैली में कोई नाम नहीं उनका, कितना बड़ा हवा बनाया था, बुलेट ट्रेन, हमारे देश को हमने डेवलप कंट्री की लाइन में खड़ा कर दिया है, कोई बुलेट ट्रेन का जिक्र नहीं है। दूसरी बड़ी चीज़ क्या करी? नोटबंदी से कितने रोजगार गए, 2 करोड़ रोजगार देने के बजाय उल्टा ही 50 लाख। राष्ट्रीय सत्ता की बात हो गई, हम लोकल समस्या की बात करेंगे, आपके क्षेत्र की क्या समस्या के लिए? गली की समस्या जी, यहाँ देखो बीजेपी कुछ भी काम नहीं करा रही है, यहाँ सारा पानी भर जाता है, यहाँ सब कुछ होता है, बीजेपी ने आज तक यहाँ कोई शकल ही नहीं दिखाई है पूरे 5 साल तक। 5 साल में आज तक परवेश वर्मा जी यहाँ आए नहीं है, अब आए हैं चुनाव के टाइम पे, कोई नहीं। लेकिन मावल जी ने हमारा हर समय साथ दिया है, हर जगह हर कोई भी प्रोग्राम हो कुछ भी हो, मावल जी यहाँ हमेशा आते हैं, यहाँ से मावल जी की लहर है, यहाँ से मावल जी की जीत पक्की है। हाँ जी, आप कितना सहमत है इस बात से? नहीं, पूरा सहमत है, और महावल मिश्रा जी ही यहाँ पे सबसे आगे सीट पे और जीतेंगी भी वही, बाकी उनकी दौड़ में उनके चैलेंज में कोई भी नहीं है कि उनको टक्कर दे सके या चैलेंज कोई कर सके। एक इसकी जो नीति है न्याय को लेके, तो क्या न्याय कितना लोगों के माइंड में क्लिक करेगी? बिल्कुल, बहुत 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 अच्छा चीज़ है, बहुत लोगों तक पहुँचेगी, और इस विश्वास है हमें कि हाँ ये अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात जो आज की डेट में हमारे चुनाव में एक माहौल बनाया जा रहा है कि मोदी राहुल, हमारा देश जो है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं करती है, अमेरिका नहीं है, इंडिया है। यहाँ पर क्या होता है कि आम जनता अपना एक सांसद चुनती है, फिर सारे सांसद मिलके अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जिसके पास ज़्यादा मेजोरिटी होती है वो सरकार बनती है। लेकिन चुनाव को इस तरीके से भ्रमित किया जा रहा है, मोदी राहुल, ठीक है वो एक नेशनल लेवल के नेता है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ, हम वेस्ट दिल्ली में रहते हैं, हम अगर हमें कोई समस्या होगी तो हम राहुल गांधी या मोदी के पास नहीं जाएंगे, हम जाएंगे अपने लोकल सांसद के पास। तो जो हमने पिछले 5 साल में परवेश वर्मा जी के बारे में देखा है, जो उनका है बिल्कुल नेग्लिजिबल प्रेजेंस है उनका। लोकसभा का 12 मई को चुनाव है, तो क्या लगता है आपको इस बार? मावल मिश्रा ही बढ़िया भैया हमारे लिए तो। किस दावे के साथ कहते हैं मावल मिश्रा बढ़िया? वो भी पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं, भाजपा की बात करूँगा, आम आदमी पार्टी की बात करूँगा। कोई कभी नहीं आता, 5 साल हो गए, परवेश वर्मा ने शकल नहीं दिखाई आज तक, नालियाँ यहाँ भरी पड़ी हैं, गंदगी मची पड़ी है, आज तक वो तो सहनसा है भैया, महलों में रहते हैं, आज तक शकल नहीं दिखाई 5 साल में परवेश वर्मा ने। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे साहब? मैं तो ये कहना चाहता हूँ बीजेपी आए, लेकिन परवेश सर को जो वर्मा को जो यहाँ लाया ना वो गलत है, यहाँ आता नहीं है वो कभी नहीं। हाँ, गंदगी फिर है, गाड़ी आती है कूड़ा उठाने वाली अंदर जाती नहीं है, ये वजह से। किसका वोट देना चाहेंगे इस बार? कांग्रेस को ही। क्या सोच के वोट देंगे अपना कांग्रेस को इस बार? इस बार देखते हैं कांग्रेस। देखते हैं, मतलब पहले किसको दिया था? पहले भी कांग्रेस को ही दिया था हमने। अच्छा, कौन उम्मीदवार खड़ा हुआ यहाँ से आपको पता है? माहौल मिश्रा। अभी एक दुकान पे हैं हम, ये बैग की दुकान है, यहाँ काका जी बैठे हैं। हाँ जी, इस बार क्या लगता है आपको? कांग्रेस को वोट देंगे जी हम। 12 मई को चुनाव है, तो कौन खड़ा हुआ है आपके यहाँ से पता आपको? महावल मिश्रा। पहले किसको वोट दिया था आपने? पहले तो हमने बीजेपी को दिया था स्टार्टिंग में। अच्छा, 2014 में। हाँ, तो इस बार क्या समस्या देख के किस विषय में आप वोट देना चाहेंगे? देखो जी, हम 5 साल से लगे अपनी पेंशन के लिए, हमारी पेंशन अब तक नहीं बनी, 65 साल का हो गया हूँ मैं, और 60 साल से मैं लगा हूँ, कभी कहते हैं कि ये करना है, कभी कहते हैं ये फार्म लाओ, कभी कहते हैं वो फार्म लाओ,
इसलिए हमने सोचा कि जो हमारी पेंशन बनेगी जो भी मैं उस हिसाब से करूँगा। महावल जी आपकी पेंशन बनवा देंगे, आपको उम्मीद है? हो सकता है बनवाएं, हम जाएंगे ऑफिस में। यानी कि आपका वोट कांग्रेस को जाने वाला है? हाँ जी। मुस्कान जी, किस 12 मई को इलेक्शन है, पता है आपको? हाँ जी। तो किसको वोट देने की तैयारी है? कांग्रेस। कांग्रेस क्या सोच के वोट देंगे अपना आप? कांग्रेस ऑब्वियस ही बात है, पहले जब कांग्रेस आई हुई थी उसने बहुत कुछ करा था, बीजेपी आने के बाद बीजेपी ने कुछ भी नहीं करा। एंड यहाँ पे ऐसे कैसे जैसे होता है, मतलब बारिश में पानी भर जाता है सारा, कुछ भी नहीं देखते, गंद पड़ा रहता है सारा, बीजेपी कुछ देखती नहीं है, यहाँ के जो MLA वो भी नहीं आते। MLA तो आम आदमी पार्टी से हैं, जो थे पहले बीजेपी के होंगे वो नहीं आते। एंड आई वॉन्ट कि अब कांग्रेस जीते ताकि जैसे पहले था, साफ सफाई थी, वैसे हो जाए एंड बीजेपी कांग्रेस जीते। अध्यक्ष जी, खाली कांग्रेस आप पश्चिमी दिल्ली में चाहते हैं, पूरी दिल्ली के अंदर या पूरे देश में चाहते हैं? पूरी दिल्ली में और पूरे देश में चाहते हैं जी हम तो। तो जिस तरीके से आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मेहनत कर रही है कांग्रेस वापसी लाने के लिए, कार्यकर्ता कितना अपना दम दिखा रहे हैं इसमें? सारे खुश है कार्यकर्ता जी, चाहते राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। मारा समस्या है आपकी, मैं इस इलाके की बात करूंगा। मैं ये जानना चाहूंगा पहले कि आपके जो मौजूदा सांसद पहले प्रवेश साहब सिंह वर्मा थे और उससे पहले महाबल मिश्रा थे, दोनों में क्या अंतर कहते हैं कि इस बार मैं वोट महाबल मिश्रा को दूं? जमीनी आसन का फ़र्क है जी, महाबल सांसद जी में और प्रवेश जी में जमीन आसन का फ़र्क है। वो क्षेत्र में जगह जगह आते थे, शादी ब्याह सब में आते थे, और प्रवेश वर्मा जी को किसी ने 5 साल में देखा नहीं। यहाँ पे खाली शादी ब्याह में आने के लिए वोट दे देंगे या समस्या को हल करवाने के लिए? हल करते हैं जी सबकी, सब रात बिरात सारे तैयार है हमारे लिए। जो बताना चाहते हैं जो उन्होंने क्षेत्र में किए हो? यहाँ पे हमारे एक मेट्रो स्टेशन बना रखा है इन्होंने, बसों के लिए अस्पताल बनाया है, दीनदयाल नया न्यू दीनदयाल, यही है जी मेरे नॉलेज। बिंदापुर में एक छठ घाट भी है जो कहते हो बीजेपी वालों ने बनाया है? सांसद जी ने करा नहीं, सांसद जी ने रखी थी, नाम बीजेपी वाला अपना ले रहे हैं वो। बिंदापुर में जितने भी छठ घाट हैं, महावल मिश्रा जी, बिंदापुर नहीं, वाणी विहार, आपका भगवती विहार, DDA फ्लैट, जितने भी छठ घाट है वो महावल मिश्रा जी ने बनवाए हैं, और जितने विकास महावल मिश्रा जी ने कर दिए यहाँ पे, मतलब कोई ऐसा कोई काम बच नहीं जो महावल मिश्रा ने कराया। बस प्रवेश वर्मा जी हैं सिर्फ अपने उसमें रिबन काटने जरूर चले जाते हैं, और 5 साल तो उन्होंने वो भी नहीं किया है, बस नाम नाम से रिबन काटा है उन्होंने, अब वो चुनाव में दौड़ रहे हैं। वो भी उनकी उन्होंने अपनी गाड़ी के ऊपर छतरी लगाई क्योंकि 5 साल AC में रहे हैं, उनको अभी धूप भी नहीं पसंद आ रही है। गाड़ी को आपने देखा होगा, आप भी उनके प्रचार में गए होंगे, उन्होंने देखा होगा गाड़ी के ऊपर उन्होंने भी छतरी लगा रखी है कि उनको धूप रास नहीं आ रही। और वो अगर पहली बात तो जीत नहीं रहे, अगर लोगों ने गलती इस बार कर दी तो फिर पछताएंगे, सर पे हाथ रख कर रोएंगे, वो फिर 5 साल AC में रहेंगे, फिर 5 साल बाद जब निकलेंगे तब लोगों को पछतावा होगा। इसलिए मैं तो यही पूरी पश्चिमी दिल्ली ये जाती है कि अब की ओर महावल मिश्रा जी ही जीतेंगे, जो लोगों के दिन हो, दोपहर हो, रात हो, उनके सुख दुख के पहुँचते हैं महावल मिश्रा जी। अभी हमारे साथ घर में एक माता जी जुड़ी हुई, 2019 का लोकसभा का चुनाव है, तो क्या लगता है इस बार? अपना तो यही है कि जीत जाए कांग्रेस। कांग्रेस जीत जाए, कौन खड़ा हुआ आपके यहाँ से कांग्रेस में? मुझे ये नहीं पता, नाम नहीं पता। पर ऐसे आप वोट दे देंगे किसी को भी? अरे क्या पता मुझे, मैं नाम भूल जाती हूँ। क्या किसको वोट देना चाहेंगे? कांग्रेस को देना चाहेंगे। कांग्रेस से किसको देंगे आप? महावल मिश्रा ही। महावल मिश्रा जी आपके पास आते हैं? महावल जी कभी मिले आपसे? हाँ, 2-3 बार आ चुके हैं जी। क्या नाम है आपका? योगेश यादव। कहाँ से आते हैं योगेश जी? A91 नंदराम पार्क से ही। तो 12 मई को लोकसभा का चुनाव है, पता आपको? पता है जी, बिल्कुल पता है। किसको वोट देने की तैयारी है इस बार? अब तैयारी तो देखो समाज की वजह से देखा जाए तो बीजेपी की लहर है, लेकिन हम कांग्रेस के साथ ही हैं, और कांग्रेस में हमारे अर्जित तनवर जी हमारे युवा PDC अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अभी भी हैं, लेकिन यहाँ पे जितना ये पानी भरा जाता है और जितना भी यहाँ पे कूड़ा करकट आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कोई सफाई नहीं हो रही है। जब से अगर आप बोला जाए कि प्रवेश वर्मा आज तक यहाँ पे MP बनने के बाद आज तक यहाँ पे ना देखने आए हैं, ना कभी कुछ बोलने आए हैं, ना कभी गली में आके देखा कि यहाँ का क्या सुधार हो रहा है, क्या सुधार नहीं हो रहा। और हमारे जो रह चुके महावल मिश्रा जी, जो जिनको अब कांग्रेस से टिकट मिली है MP की, इनको इन्होंने हमारे लिए यहाँ पे कार्य बहुत करे हैं, लेकिन उन्होंने ये छोटे कार्य नहीं करे, काफ़ी बड़े कार्य कर रहे हैं जो कि हमारी नज़रों में यहाँ की जनता को नहीं पता है। अब वो आए हैं नई पीढ़ी से, तो आगे देख के देखेंगे कार्य कैसे होते हैं कैसे नहीं होते, बाकी जो सुधार कराएगा हम उसकी तरफ हैं, और पब्लिक वही कहना चाहिए। वोट किसको जाएगा इस बार? हमारा तो महावल मिश्रा जी के साथ ही। जी साहब, आपका वोट कांग्रेस को? क्या सोच के वोट देंगे अपना? वोट देंगे जी, मोदी ने ये नोटबंदी कर दी, ये तो कह दिया भी इतने साल हो गए, भी कितने साल पीछे लेगी देश की जनता को, कितने 15 लाख नहीं आए, और बेरोजगारी इतनी है कि पूछो मत,
मैं लोकल समस्या की बात करूंगा, लोकल समस्या को देखिए। लोकल समस्या मोदी नहीं समझ रहा किसी की, क्या करोगे? वो हाँ वो ही नहीं समझ रहा, वो ये सब मुद्दा उठा रहा अभी देश की राजनीति, सेना को बीच में खींच रहा है। किसी ने राजनेता ने सेना को खींचा कभी? किसी ने? उसने मेन मुद्दा ही से उसका साथ दिया, सेना गई। नहीं नहीं, मैं क्षेत्रीय सांसद की बात करूंगा। क्षेत्रीय सांसद जब तक कांग्रेस रही है सब सुधार रहा है यहाँ। अब वोट किसको देंगे? अब कांग्रेस को देंगे जी। कांग्रेस को कौन उम्मीदवार खड़ा हुआ आप यहाँ से? मावल मिश्रा जी। हमारी गली की सड़कें नहीं बन रही हैं और यहाँ सारी नालियाँ भरी पड़ी रहती हैं, कूड़ा करकट को यहाँ उठाने वाले नजर ही नहीं आते। वोट किसको देंगे आप अपना? वोट हम अपना अपने आप देंगे, जिसको भी देना होगा। कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को? हम किसी को क्यों बताएं कि हम अपना वोट किसको देंगे? आप किसी को बताएंगे नहीं? आप तो कांग्रेस को देना चाहेंगे वोट? सर हम कांग्रेस को वोट देना चाहेंगे मावल मिश्रा के लिए। हमने सर देखा है कि पाँच साल से हम मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम मावल मिश्रा की तरफ से जो भी वोट देना चाहेंगे। यानी कि मावल मिश्रा जी आपकी समस्या को सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे सर, हमारे मावल मिश्रा को पहले सुनते हैं, अभी भी सुनेंगे। देखा आपने, तमाम हमने उत्तम नगर के लोगों से बात की है, जिनका खास तौर पर कहना है कि इस बार वो कांग्रेस की ओर वापस आना चाहते हैं। सभी यहाँ के जो लोग हैं वो कांग्रेस की ओर वापस आना चाहते हैं, कांग्रेस को सत्ता में लेके आना चाहते हैं। उनका कहना है कि हमारी जो भी सुनती है वो कांग्रेस से ही सुनती है, कांग्रेस ने ही पहले सुनी थी। पिछले 15 सालों से 17 सालों से मैं बात करूंगा तो कांग्रेस पार्टी है जो हमारी नैया पाल लगाएगी। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ जितेश अनेजा, दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस।